हेलो दोस्तों, दिस इज बात लुकिंग इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और सिंपल वर्ड में TSOP प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे काम करता है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। इस वीडियो को मैंने काफी अच्छा से बताया है। इस वीडियो में पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा और आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के साथ साथ जो स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता है क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा कि स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प क्या है और क्यों है। तो जितना भी हम प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, जितना भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जितना भी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल बन जाए। मीन्स एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल बन जाए, मतलब क्या कि एक क्या कर दे, एक स्थिति में ऐसे आ जाए जहाँ से उसको वैल्यू मिल पाए। एक ऐसी स्थिति में हमारा शेड्यूल आ जाए जहाँ से उसको वैल्यू मिल पाए। तो क्या है, इट इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। यह क्या करता है, जो स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता है यह कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को अचीव करने में हेल्प करता है। मीन्स जितने भी स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होंगे वो उसी पर अप्लाई होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ठीक है, इट इंश्योर्स रिकवरेबिलिटी। मीन्स इसमें जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा, रिकवरेबल होगा। मतलब अगर कोई भी गलती हो रहा है, अगर रोल बैक हम कर रहे हैं तो शेड्यूल को हम रोल बैक कर सकते हैं और आसानी से फिर शुरू से हम काम कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। उसमें कोई भी अगर गलती हो रही है तो उसमें क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। नो कैस्केड रोल बैकिंग। कैस्केड रोल बैकिंग नहीं हो सकता, कैस्केड रोल बैक इसमें नहीं होता। इट शुड रीड ओनली कमिटेड डेटा, और वो केवल कमिटेड डेटा को ही पढ़ता है। मतलब क्या कि एक बार जो डेटा कंप्लीट हो गया है या फिर अबॉर्ट हो गया है उसी डेटा को रीड कर सकता है। तो देखो, हमारे पास एक शेड्यूल दिया है एस, जिसमें ट्रांजेक्शन एक T1 है और एक क्या है, एक T2 है। तो इसमें एक रीड ऑपरेशन हो रहा है, एक राइट ऑपरेशन हो रहा है, और फिर यहाँ क्या कर दिया, कमिट। कमिट मतलब यहाँ ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। एबॉर्टेड मतलब अगर हम किसी भी ट्रांजेक्शन को किल कर रहे हैं, यूजर जो होता है अगर अपने से ट्रांजेक्शन को किल कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबॉर्टेड। क्या बोलते हैं उसको, एबॉर्टेड। तो जो यहाँ एबॉर्ट कर दिए हैं फिर मैं इस डाटा का रीड कर रहा हूँ, इसीलिए ये है स्ट्रिक्ट टाइम ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। क्या करता है, एकदम स्ट्रिक्ट है कि नहीं, मैं जब भी पढ़ूंगा तो कमिटेड डेटा को पढ़ूंगा, मैं जब भी पढ़ूंगा तो ऐसे डेटा को पढ़ूंगा जिस पर फिर से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सके, जो एकदम रियल है। जैसे मानो यहाँ अगर कमिटेड नहीं होता तो हो सकता था ये डेटा गलत है, लेकिन कमिट कर दिया मतलब क्या, ये डेटा सही है, और सही है तो उसी को पढ़ेगा, उसी को क्या करेगा, पढ़ेगा। जब भी पढ़ेगा, जब भी उस पर रीड करेगा तो क्या करेगा, कमिटेड डेटा को या फिर एबॉर्टेड डेटा को। तो स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल बस इतना ही है, क्या कहता है कि जब भी वो शेड्यूल में ट्रांजेक्शन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेगा तो तभी कर पाएगा जब उसका जो पहले वाला ट्रांजेक्शन है जिस पर वो डिपेंडेंट है वो कमिट कर चुका है, वो एबॉर्ट कर चुका है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या है, आपको कमेंट करना है। मैंने आपको अच्छे से बताया है ये क्या करता है। एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, जैसे T1 T2 है, इसमें बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ कमिट हो गया है, कमिट होने के बाद यहाँ के डेटा को यहाँ रीड होगा। अगर कमिट नहीं किया है तो उससे पहले यहाँ डेटा रीड नहीं हो पाएगा। कमिटेड डेटा को हमेशा रीड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। कोई डाउट आ जाता तो आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो DBMS का हमारा कोर्स है, DBMS, इसको आप शुरू से पढ़ो। शुरू से पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी है, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।